हेलो दोस्तों, मिड सितंबर आ गया है और गर्मी भी काफ़ी कम हो गई है। धान की फसल पक गई है, सो पानी उसको देना काफ़ी कम होने की वजह से ह्यूमिडिटी कम हुई है थोड़ी, और मक्खियों का प्रकोप भी कम हो गया है। और 21 सितंबर को हमने एक लॉन्ग राइड रखी है, लॉन्ग राइडर्स ग्रुप के मेंबर्स उसमें राइड करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने भी आज काफ़ी समय बाद 3 घोड़ियाँ बाहर निकाली हैं राइड के लिए, सॉरी 1 घोड़ा 2 घोड़ियाँ, घोड़ी कोयल, घोड़ा मकबूल और लास्ट में ड्रीम, जिसको राइड कर रहे हैं जुगल जी, मकबूल को राइड कर रहे हैं जेटी और कोयल को राइड कर रहे हैं जसकीरत सिंह जौड़ा। मकबूल में आप काफ़ी अंतर देख रहे हैं कि उसका एनर्जी लेवल कितना अच्छा हो गया है। अंडर सैडल वैसे तो एनर्जी से भरपूर है, मगर उसकी एनर्जी पहले गलत तरीके की थी। वेदर भी बहुत खूबसूरत है। कुछ रास्ते तक ईश्वर जी राइड करेंगे, उसके बाद मैं राइड करूँगा। ये राइड करीब 8 किलोमीटर की होगी, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैक्सिमम राइड वॉक, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है। वैसे तो हमारा प्लान था 6 बजे राइड स्टार्ट करने का, मगर तैयारी करते करते फिर भी हमें 6:30 हो गए हैं और धूप काफ़ी आ गई है। सो इट वॉन्ट बी अ वेरी लॉन्ग राइड, करीब 8 किलोमीटर की राइड रहेगी। जो हमारी लॉन्ग राइड होने वाली है उसमें 4 घोड़े तो बाहर से आएंगे, 3 या 4 घोड़े हमारी रेंट से होंगे, तो एक अच्छा माहौल हो जाएगा। पहले हम लोग लॉन्ग राइड में कई बार तो 20-25 घोड़े भी इकट्ठे कर लेते थे, मगर धीरे धीरे हमने उसको कम करके इस राइड को अपने क्लोज ग्रुप में सीमित कर दिया है, क्योंकि हमारे सब घोड़े एक दूसरे को जानते हैं, सवार एक दूसरे को जानते हैं। कई बार हम नए लोगों को राइड में इनवाइट कर लेते हैं, उनके पास ट्रेंड घोड़े नहीं होते या उनका खुद का एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं होता, तो एक्सीडेंट होने का डर बना रहता है। सो पिछले साल से हम अपने क्लोज ग्रुप में ही राइड कर रहे हैं, फिर भी सीज़न में 1 या 2 राइड रखेंगे जिसमें खूब घोड़े इकट्ठे हो सके, मगर ज़्यादा राइड्स हम क्लोज ग्रुप में ही करते हैं। लास्ट ईयर हमने एक राइड की थी 55 किलोमीटर की, उससे पहले राइड की थी एक 70 किलोमीटर की, और इस साल कोशिश करेंगे कि ये क्लोज ग्रुप में 4 या 5 घोड़ों से एक 80 किलोमीटर की राइड की जाए। 80 किलोमीटर की राइड का मतलब है ऑन एवरेज आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना इन सैडल टाइम बनेगा। और इतनी लंबी राइड में आपके घुटने दर्द होने लगते हैं, बैठने के बाद चलना भी आपकी मजबूरी है, और सवार करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर साथ में पैदल भी चल लेते हैं थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, और करीब इसमें लगेगा आपका 14 घंटे इन सैडल टाइम रहेगा। सो आप इमेजिन कर लीजिए कि रास्ते में आपको घोड़ों को आराम भी कराना है, दाना भी खिलाना है, आपको खुद भी खाना खाना है, कि कितनी लंबी राइड वो हो सकती है। जो लोग घर में बैठे बैठे ही बोल देते हैं कि हमारा घोड़ा 100 किलोमीटर जाता है, अगर वो कभी 100 किलोमीटर जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि इतना सफ़र करने में कितना समय लगता है। हाँ, अनलेस कोई भगाता है घोड़े को बहुत ज़्यादा, तब भी 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड बहुत अच्छे से अच्छे घोड़े नहीं निकाल पाते। 40 तक स्पीड कई घोड़े 20 किलोमीटर पर आवर में भी ले जाते हैं, मगर वो बहुत ही फिट और तगड़े घोड़े होते हैं। नॉर्मल सवार और नॉर्मल घोड़े 6-7 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड नहीं निकाल पाते, अगर आपकी राइड 60-70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की हो। कभी भी जब कोई आदमी आपके आगे डिंग हाँके के उसका घोड़ा 100 किलोमीटर जाता है, तो बेशक उसके साथ कोई भी बेटिंग करने से चूकिए मत, क्योंकि 100 किलोमीटर जाने वाले घोड़े इंडिया में काफ़ी कम हैं और बहुत ही फिट लोगों के पास वैसे घोड़े हैं।
नॉर्मल आदमी का घोड़ा 100 किलोमीटर जाएगा तो समझ लीजिए 16 घंटे से पहले वो नहीं जा सकता। अगर वो वाकई जाता है तो वो शाबाशी का हकदार है। अगर कोई ऐसे घोड़े हों जो इतनी लंबी राइड में भी बहुत स्पीड मेंटेन करते हैं तो उनको एंड्योरेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वैसे भी कोई करता हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम लोग उसको अच्छी प्रमोशन के लिए कुछ भी करेंगे ताकि ऐसा घोड़ा दुनिया को नज़र आए जो बहुत कम समय में 100 किलोमीटर पूरे कर सकता हो या 80 किलोमीटर पूरे कर सकता हो। और मुझे तो आज तक ज़्यादा घोड़े नहीं मिले ऐसे। हमारे पास जो मंगलवीर था वो 120 किलोमीटर का भी चैम्पियन था, 80 किलोमीटर का भी था, मगर मैंने उसको कभी भी पुश नहीं किया उसकी लिमिट्स के बाहर, क्योंकि जब वो हमारे पास आया था तो उसके एक राइट पैर में तो स्ट्रेस फ्रैक्चर था, बहुत ज़्यादा काम देने से वो लेम होता था। तो मैंने तो उसको बहुत संभाल के रखा है कि मेरे घोड़े को कोई पेन ना हो, और जिसको मैंने वो घोड़ा दिया है वो लोग भी उसको बहुत संभाल के राइड कर रहे हैं, क्योंकि वो घोड़ा बहुत एनर्जेटिक था और घोड़े आगे निकलने के बाद वो बहुत गुस्से में आ जाता था और तेज़ भागता था, और मैं हमेशा ही उसको भागने से रोकता रहा ताकि ऐसा ना हो कि उसके जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है और बढ़ जाए और घोड़ा परमानेंट लेम हो जाए। अगर ऐसे एनर्जेटिक घोड़ों को बड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। उसको ज़्यादातर हम लीड में ही रखते थे क्योंकि पीछे रहते ही वो घोड़ा नाचने लगता था, फुल डांस करता था और ज़ोर ज़ोर से पैर पटकता था कि मुझे आगे जाने दो। तो घोड़ों की जो मेंटेलिटी है उसको समझना और उसको प्रॉपर संभाल के राइड करना वो एक अच्छे राइडर की ड्यूटी है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लंगड़े घोड़ों को ठीक करके उन पर पूरी ज़िंदगी लंबा समय तक राइड करते रहते हैं। बस राज यही है कि आप उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करते, जितनी उसकी लिमिट है उससे आगे आप नहीं ले जाते। और जब आपको पता है कि आपका घोड़ा किसी बात से लेम होता है तो फिर भी आप उसको भगाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। धान की फसल पकने वाली है, कई जगह आप इसको गोल्डन कलर में देखेंगे, और बारिश का पानी अभी भी है क्योंकि कल काफ़ी बारिश हुई थी। होपफुली ये राइडिंग सीज़न हमारा काफ़ी अच्छा जाएगा। फाइनली वी हैड रीच्ड द रेंच, और घोड़े हिनहिना के अपनी एक्साइटनेस दिखा रहे हैं, दूसरे घोड़ों को वेलकम कह रहे हैं जो राइड से वापस आए हैं।